अच्छा, कल मैंने जो है वो दो प्रूफ शुरू किए थे, ठीक है, तो वही एक प्रूफ बीच के अंदर में रह गया था, वो मैं नहीं कर रहा अभी उसको, ठीक है, वो मैं आपको उसकी जो है ना वो पिक बना के भेज दूंगा, तो वो आप कर लीजिएगा उसको। मैं जो है अभी वो स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है, एक और एग्जांपल भी है उसके अंदर, वो भी नहीं मैं कर रहा, वो मैं आपको भेज दूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली जो है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी डिफरेंशियल एनालिसिस के अंदर, वो क्या होती है कि लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, इसके बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैटिक डायनामिक होती है, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो स्टैटिक डायनामिक जो है ये क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो डायनामिक सिस्टम है, अगर वो रेस्ट के ऊपर हो या स्टैटिक हो, तो हम कहते हैं कि ये डायनामिक स्टैटिक है, ठीक है। यानी कि डायनामिक का मतलब यह है कि वो जब रेस्ट के ऊपर है या जब वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टैटिक है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, आप उन फोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं, तो वो डायनामिक स्टैटिक है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, तो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी है, द डायनामिक सिस्टम, तो जो आपके पास डायनामिक सिस्टम है, इज एट रेस्ट और स्टैटिक, तो वो रेस्ट के ऊपर है या स्टैटिक है। अब इस सिस्टम के ऊपर जब वो रेस्ट के ऊपर है स्टैटिक है, तो इसके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, इसलिए हम इसको डायनामिकल सिस्टम का नाम जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट जो है, हम वैसे तो जो BSc तक या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैट्रिक में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो यही होती है कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल कम्पैक्ट डेफिनेशन जो है वो नहीं है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है ये रेफर होता है अ चेंज इन कन्फिग्रेशन, किसी कन्फिग्रेशन के अंदर जो चेंज आती है किसी सिस्टम के, ठीक है। मसलन रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के एक पूरा सिस्टम है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जो उनकी पोजीशन में चेंज आती है जब, तो इसका मतलब है कि उस पूरी कन्फिग्रेशन के अंदर चेंज आती है, समझ आ रही है बात। तो इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कन्फिग्रेशन का चेंज हो जाना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम रेफर्स, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम है इसको हम रेफर करते हैं टू ए चेंज, टू ए चेंज इन दी कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। एज ए रिजल्ट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी चेंज जिसके नतीजे में कोई आर्बिट्रेरी चेंज जो आए ऑफ द कोऑर्डिनेट्स
एक्स जे से डी एक्स जे तक। ठीक है जी, तो ये हम डिफाइन करते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एक को हम कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे आगे हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम का अकरिंग इन टाइम इंटरवल डी टी, जो किसी टाइम इंटरवल डी टी में अकर कर रहा है, जिसके दौरान जो फोर्सेस और कॉन्स्टेंट्स हैं मे चेंज। ठीक है, जिसके दौरान फोर्सेस या कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो उनके अंदर चेंज आ सके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अकरिंग इन टाइम इंटरवल डी टी, जो किसी टाइम इंटरवल डी टी के अंदर अकर कर रहा है, ड्यूरिंग विच फोर्सेस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स मे चेंज, और जिसके दौरान फोर्सेस या कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर चेंज आ सकती है, इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डी एक्स जे इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डी एक्स जे जो है ये आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हमें पता है कि एज एक्स जे जो है दैट इज इक्वल टू एक्स जे, और ये इसके अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू सो ऑन क्यू एन कामा टी, और अगर इसका डी एक्स जे लें तो डी एक्स जे जो है ये आपके पास आ जाता है समेशन I वन टू n करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई डी क्यू आई प्लस करली एक्स जे ओवर करली टी डी टी। ये एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि हमने आगे जो है वो डी लंबर्ट प्रिंसिपल और हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो है वो पढ़ने हैं, तो इसलिए हम इनके अंदर एक्चुअल और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में डिस्टिंग्विश करके देख रहे हैं उसको समझने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने स्टडी करनी है वो हमने देखना है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक आर्बिट्रेरी इनफाइनाइटिसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है किसी सिस्टम का, यानी कि उसको डेल्टा एक्स जे आप कह सकते हैं, और ये कंसिस्टेंट होता है अप्लाइड फोर्सेस के साथ, यानी कि जितने भी उस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और जितने कॉन्स्टेंट उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर जो डेल्टा एक्स जे है इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के तौर पर लेते हैं,
और इसमें जो फोर्सेस और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहले नंबर पे जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही जो फोर्सेस और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज एन आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सीमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम। डेल्टा एक्स जे से इसको हम डिनोट करते हैं कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट है विद अप्लाइड फोर्सेस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जो कि सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप ले सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट हो किसके साथ, उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और जो कॉन्स्टेंट्स अप्लाई हो रही हैं। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम आर्बिट्रेरी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कोई भी आप जो है उसको सपोज कर सकते हैं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एज एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू सो ऑन क्यू एन कामा टी, ठीक है, यही एक्स जे आपके पास जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सपोज करें कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल चेंज स्लाइटली विदाउट चेंजिंग द टाइम टी, मैं अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है उसके अंदर एक चेंज आती है लेकिन उस चेंज के दौरान, मतलब इतनी बिल्कुल स्लाइट चेंज आती है कि उसके दौरान कोई टाइम चेंज नहीं होता। तो सपोज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सपोज करें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चेंज्ड स्लाइटली जिसके अंदर एक स्लाइट सी चेंज आती है, बिल्कुल मामूली सी चेंज आती है विदाउट चेंजिंग द टाइम टी, और इसके अंदर जो टाइम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, यानी कि जो डी टी है दैट गोज टू जीरो, या आप कह सकते हैं कि डी टी जो है वो इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब है कि फिर डेल्टा एक्स जे जो है दैट इज इक्वल टू समेशन आई वन टू एन करली एक्स जे डिवाइडेड बाई करली क्यू आई डेल्टा क्यू आई। तो
अब जो वर्क डन है इन फोर्सेस की वजह से, ठीक है, यानी कि सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन को हम वर्चुअल वर्क डन का नाम देते हैं। ठीक है, एंड द वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, तो अब इन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है विद डेल्टा एक्स जे, इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन, इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। हम इसको वर्चुअल वर्क डन का नाम देते हैं और इसको डेल्टा डब्ल्यू जे से डिनोट करते हैं, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जे दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जे डॉट डेल्टा एक्स जे, और इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप कि डेल्टा डब्ल्यू समेशन जे वन टू एन एफ ऑफ जे डेल्टा एक्स जे। ठीक है जी, तो ये जो है ये हमारे पास डिफरेंस आ गया इनके दरमियान में, जिसको हमने कहा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन इस पर भी उसी तरह ही फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स एक्ट करते हैं जैसे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, खैर अभी इसकी और हमें समझ आएगी ज़रा जब हम डी लंबर्ट प्रिंसिपल और हैमिल्टन प्रिंसिपल के ऊपर पहुँचेंगे। अच्छा, लेकिन उनसे उनके ऊपर पहुँचने से पहले आपने प्रीवियस जो है वो जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स जो हैं वो स्टडी किए थे, और जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स के अंदर हमने जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी कोआर्डिनेट्स तो वो थे ही जो एक्स जे आपने निकाले, फिर काइनेटिक एनर्जी को निकाला और वेलोसिटीज को आपने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स। अब इसी इन जर्नलाइज कोआर्डिनेट्स की फॉर्म में ही हमने जर्नलाइज्ड फोर्स जो है उसको स्टडी करना है। जर्नलाइज्ड फोर्स, तो आप कंसिडर करें कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें x1 पोजीशन वेक्टर है, लेट x1, सॉरी लेट xj बी पोजीशन वेक्टर, xj जो है ये कोई पोजीशन वेक्टर है ऑफ द jth पार्टिकल। किसी jth पार्टिकल का एक्स जे जो है वो पोजीशन वेक्टर है, एंड एफ जे इज द एक्सटर्नल फोर्स, और एफ जे जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है एक्टिंग ऑन द जेथ पार्टिकल, जो कि जेथ पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर एक जेथ पार्टिकल है, उस जेथ पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है।
अब यहाँ पर आपको पता है कि जे जो है वो बराबर है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन के, और यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू आई इज इक्वल टू आई 1, 2 अप टू एन इज ए सेट ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये आई 1, 2, 3 अप टू एन तक ये एक सेट है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का। अब यहां पर आप सपोज करें कि जो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, सपोज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जे, डेल्टा एक्स जे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको सपोज करें, तो ये देन डेल्टा एक्स जे जो है दैट इज इक्वल टू समेशन आई 1 to n करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई डेल्टा क्यू आई। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और जो वर्क डन है द वर्चुअल वर्क डन बाय द जेथ पार्टिकल, द वर्चुअल वर्क डन बाय द जेथ पार्टिकल, और जो वर्चुअल वर्क डन हो रहा है जेथ पार्टिकल की वजह से वो है डेल्टा डब्ल्यू जे दैट इज इक्वल टू एफ जे डॉट डेल्टा एक्स जे। अब ये वर्क डन आपने सिर्फ लिखा है जेथ पार्टिकल की वजह से, लेकिन अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम की वजह से हो रहा हो तो फिर इसके अंदर सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो यानी कि इसका मतलब है कि फिर हमें समेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। तो अगर हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है, द वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जो वर्चुअल वर्क डन है सिस्टम की वजह से दैट इज बाय ऑल फोर्सेस, जो तमाम फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो समेशन जे 1 to n डेल्टा डब्ल्यू जे दैट इज इक्वल टू समेशन जे 1 to n एफ जे डॉट डेल्टा एक्स जे। तो इसको आप कह लें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है। अब ये पूरे सिस्टम का वर्चुअल वर्क डन। अब इसके अंदर डेल्टा एक्स जे की वैल्यू पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स जे इन 1, इसके अंदर डेल्टा एक्स जे की वैल्यू पुट करें, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन जे 1 to n एफ ऑफ जे डॉट समेशन आई 1 to n डेल्टा एक्स जे डेल्टा क्यू आई करली क्यू आई डेल्टा क्यू आई। अच्छा, अब यहां पर जो है ना, चूंकि हमने इसके अंदर समेशन रखनी है, तो इधर एक काम कर लें कि ये छोटा n इस n के साथ मिक्स हो जाएगा इसके साथ, लिहाजा इसको कैपिटल n कह लें ताकि इसके साथ मिक्स ना हो।
ठीक है, इसको कैपिटल एन कह लेते हैं कि वो उस एन के साथ जो है वो ब्रेक सुनाओ। तो अब डेल्टा डब्ल्यू जो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन जे वन टू एन इंटू समेशन आई वन टू एन एफ ऑफ जे डॉट करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई। अब इस समेशन को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो डेल्टा डब्ल्यू समेशन आई वन टू एन और समेशन जे वन टू एन एफ ऑफ जे डॉट करली एक्स जे करली क्यू आई डेल्टा क्यू आई। अब इसके अंदर जो ये वाला सारा फैक्टर आ रहा है, ये वाला, इसको मैं कह देता हूं कि ये को कैपिटल क्यू आई के बराबर है। तो अगर मैं इसको कैपिटल क्यू आई के बराबर ले लूं तो मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू समेशन आई वन टू एन क्यू ऑफ आई डेल्टा क्यू आई के बराबर आ जाएगा। और यहां पर क्यू ऑफ आई जो है ये बराबर है समेशन जे वन टू एन एफ ऑफ जे डॉट करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई। तो इसमें क्यू आई जो है, अब देखें ये क्यू आई जो है इसको हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर फोर्स को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही आ रहे हैं, जे क्यू ये सारे क्या हैं, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू की फॉर्म में आ गई ना, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गई। इसका मतलब है कि क्यू आई जो है ये जनरलाइज्ड फोर्स है। क्यू आई इज कॉल्ड द जर्नलाइज्ड फोर्स। तो क्यू आई जो है वो एक जर्नलाइज्ड फोर्स है एसोसिएटेड विद द जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई, जो कि एसोसिएटेड है किसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई के साथ। तो अब ये जो क्यू आई है ये जरूरी नहीं है कि इसके यूनिट्स जो हैं वो फोर्स की हों, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखें ना साथ ये वाला फैक्टर भी आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ठीक ठाक शुक्र लगा, आप सेहत भी ठीक है सर। अच्छा मैंने वैसे वो आपका नाम, तो चले मैं उससे बात करता हूँ सर, मैं करता हूँ बात। जी जी सर मैं कर ओके ओके। अब क्यू आई जो है not have units of force necessarily, तो जरूरी नहीं है कि इसके यूनिट्स जो है वो फोर्स क्यों necessarily।
क्योंकि जो क्यू आई है उसके भी यूनिट्स ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस की हो, ठीक है। एज यूनिट्स ऑफ क्यू आई डू नॉट ऑफ डिस्टेंस नेसेसरली, ठीक है। लेकिन जो क्यू आई डेल्टा क्यू आई है, क्यू आई डेल्टा क्यू आई मस्ट हैव यूनिट्स ऑफ वर्क, लेकिन इसके जो है हर सूरत में यूनिट्स वर्क के होने चाहिए, क्योंकि ये इसकी डायमेंशन तब भी सेटिस्फाई होगी डेल्टा डब्ल्यू की जब ये वर्क डन के बराबर होगा। यानी कि अब वर्क के यूनिट कौन से होते हैं आपको पता है, जूल के होते हैं। क्योंकि अच्छा यहां पर अब ये जब हमने कहा है कि ये जो ये क्यू आई है इसके डिस्टेंस के नहीं होंगे, तो ये क्यू आई जो है ये चूंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और ये पोजीशन को डिटरमिन कर रहा है, तो अगर ये पोजीशन को डिटरमिन कर रहा है तो ये सिर्फ एक्स तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेके जाएं तो वहां पर ये थीटा या फाई बन जाएगा, तो वहां पर तो ये एंगल बन जाएगा। फिर इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसके यूनिट्स जो हैं वो हर दफा डिस्टेंस के ही होंगे, ठीक है। तो आप यहां पर ये राइट डाउन कर सकते हैं कि वन क्यू आई माइट बी एन एंगल, तो क्यू आई जो है वो एंगल भी हो सकते हैं, एज इन पोलर आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अच्छा अब जो फोर्सेस होती हैं उसके बारे में आपको ये पता है कि फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं, क्या हमने पढ़ा हुआ है डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव यानी कि डिपेंड नहीं करती पाथ के ऊपर। तो फोर्सेस आर कंजर्वेटिव तो अगर हम कहें कि एफ जे माइनस डेल जे वी के बराबर है, तो अगर आप यहां पर यह कहें कि जो जनरलाइज्ड फोर्स है इट इज आल्सो कंजर्वेटिव इफ द जनरलाइज्ड फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो अगर जनरलाइज्ड फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है, यानी कि क्यू आई इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली क्यू आई, तो फिर एफ जे माइनस डेल जे वी और यहां पर क्यू आई इज इक्वल टू समेशन जे वन टू एन एफ ऑफ जे डॉट करली एक्स जे ओवर करली क्यू आई आ जाएगा। आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर एफ जे की वैल्यू को, तो इसके अंदर अगर आप एफ जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्यू आई जो है मेरे पास ये आ जाएगा माइनस समेशन जे वन टू
एन, ये वैल्यू उसके अंदर सब्सिट्यूट कर दें इसके अंदर एफ जे की वैल्यू ये वाली जो है, तो ये आ जाएगी माइनस डेल जे डॉट करली एक्स जे करली क्यू आई, ठीक है। और इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि क्यू आई इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली क्यू आई। ठीक है, ये तो यही हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव जनरलाइज्ड फोर्स जो है वो निकल आई। अभी इसमें दो पॉइंट्स और रहते हैं ऐसी जनरलाइज फोर्स, लेकिन मैं इसको, या ये 9:50 पे क्लास ख़त्म होनी है ना, तो मैं उसको एंड कर रहा हूँ।